खाटू श्याम जी का मंदिर बनाया, क्या कहेंगे इस पर? जी हम करनाल वासियों का धन्यवाद करते हैं कि वो श्याम बाबा को करनाल में ही ले आए। खाटू श्याम जी तो हम लोगों से कभी जाया जाता था या नहीं, भीड़ की वजह से हम लोग ड्रॉप भी कर देते थे, बट अब हमारे लिए सुविधा हो गया कि बाबा खुद हमारे पास आ रहे हैं। धन्यवाद। देख सकते हैं भगवान खाटू श्याम जी का मंदिर जो है करनाल में बनाया गया है, जिसको लेकर बड़ी संख्या में जो लोग हैं, तमाम परिवार हैं, वो यहाँ पर इस शोभा यात्रा में निकले हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें से हम आपको दिखा रहे हैं। आप ये लाइव तस्वीरें से देख रहे हैं। एक बार खाटू की शरण में आकर तो देखो दीवाने हो जाओगे खाटू के। जय श्री श्याम, आने के सहारे की जय हो। करनाल में मंदिर बनाया गया खाटू श्याम जी का, बस यही कहना है कि इतनी दूर जाते हैं हम लोग, अब अपने करनाल में ही बन रहा है, जो घर बैठे लोग फटाफट आए, जल्दी जल्दी इसका भाग ले और रोज दर्शनों के लिए आए। जय श्री श्याम। देख सकते हैं भगवान खाटू श्याम जी का मंदिर बनाया गया और कल जो है प्राण प्रतिष्ठा यानी कि मूर्ति स्थापना की जाएगी, और आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो इस मूर्ति स्थापना कार्यक्रम से पहले एक भव्य शोभा यात्रा निकालते हुए नजर आ रहे हैं। जिस शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो देखे जा सकते हैं। सब झूमो नाचो, वो आने वाला है, पगड़ी बांध रहा है, नील चढ़ने वाला है। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। खाटू श्याम जी की शोभा यात्रा निकल रही है और इस मौके पर आप देख सकते हैं जगह जगह स्वागत किया जा रहा है, जगह जगह छबील जो मीठा पानी है वो बांटा जा रहा है, जिसकी तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि करनाल के पुरानी अनाज मंडी के पीछे जो है भगवान खाटू श्याम जी का एक मंदिर बनाया गया है, जिसकी कल जो है मूर्ति स्थापना रखी गई है। तो तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं भगवान खाटू श्याम जी का एक मंदिर बनाया गया है, एक भव्य मंदिर बनाया गया है, जिसकी कल जो है मूर्ति स्थापना रखी गई है, और उससे पहले आप देख सकते हैं कि विशाल शोभा यात्रा निकाली जा रही है। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, एक ही नारा, एक ही नारा, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। क्या कहना चाहेंगे जो आज शोभा यात्रा निकाली जा रही है, क्यों निकाली? जय श्री श्याम। आज बाबा का मतलब बाबा श्याम का मंदिर बनने जा रहा है पुराने अनाज मंडी के बैक साइड में, कल को मूर्ति स्थापना होगी, उसके उपलक्ष में आज भव्य नगर कीर्तन परिक्रमा की जा रही है बाबा श्याम की, और कल को सुबह सुबह मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा होगा 9 बजे और शाम को कीर्तन 6 बजे से। तमाम लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं भगवान खाटू श्याम जी की शोभा यात्रा बड़े धूमधाम से निकाली जा रही है, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। हमारी आप सभी से अपील है कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर बड़ी संख्या में श्रद्धालु आप देख सकते हैं जो काफी दूर दूर तक से पहुंचे हैं। भगवान खाटू श्याम जी का मंदिर बनाया जा रहा है, एक विशाल मंदिर बनाया जा रहा है और मंदिर बन चुका है, और कल जो है उसकी मूर्ति स्थापना के मौके पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे मैम? खाटू श्याम जी का मंदिर बनाया, क्या कहेंगे इस पर? जी हम करनाल वासियों का धन्यवाद करते हैं कि वो श्याम बाबा को करनाल में ही ले आए। खाटू श्याम जी तो हम लोगों से कभी जाया जाता था या नहीं, भीड़ की वजह से हम लोग ड्रॉप भी कर देते थे, बट अब हमारे लिए सुविधा हो गया कि बाबा खुद हमारे पास आ रहे हैं।
धन्यवाद। आप देख सकते हैं भगवान खाटू श्याम जी का मंदिर जो है करनाल में बनाया गया है, जिसको लेकर बड़ी संख्या में जो लोग हैं, तमाम परिवार हैं, वो यहाँ पर इस शोभा यात्रा में निकले हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें सब हम आपको दिखा रहे हैं। आप ये लाइव तस्वीरें सब देख रहे हैं, बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, जिसकी तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। हजारों की संख्या में लोग देखे जा सकते हैं, क्योंकि भगवान खाटू श्याम जी की शोभा यात्रा निकलती हुई नजर आ रही है, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर आप देख सकते हैं। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तो तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं, इस विशाल शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो देखे जा सकते हैं, बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो देखे जा सकते हैं। भगवान खाटू श्याम जी का जो मंदिर है वो बनाया गया है करनाल के पुरानी अनाज मंडी में बनाया गया है, और जो है कल उसकी मूर्ति स्थापना होनी है, उसके उपलक्ष्य में आप इस समय तस्वीरें देख सकते हैं। एक विशाल शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें बड़ी संख्या में जो भक्तजन हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। कहना चाहेंगे, बहुत अच्छा भव्य मंदिर बनाया गया भगवान का, बहुत ज्यादा बहुत अच्छा लग रहा, बहुत। अब हमारा करनाल करनाल एक बार खाटू की शरण में आकर तो देखो, दीवाने हो जाओगे खाटू के। जय श्री श्याम, हरे के सहारे की जय हो। करनाल में मंदिर बनाया गया खाटू श्याम जी का, कि इतनी दूर जाते हैं हम लोग, अब अपने करनाल में ही बन रहा है, जो घर बैठे लोग फटाफट आए, जल्दी जल्दी इसका भाग ले और रोज दर्शनों के लिए आए। जय श्री श्याम। आप देख सकते हैं भगवान खाटू श्याम जी का मंदिर बनाया गया, और कल जो है प्राण प्रतिष्ठा यानी कि मूर्ति स्थापना की जाएगी, और आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो इस मूर्ति स्थापना कार्यक्रम से पहले एक भव्य शोभा यात्रा निकालते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। करनाल के नवल्टी रोड से ये शोभा यात्रा निकल रही है, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय करनाल ब्रेकिंग न्यूज आपको दिखा रहा है। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तो तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं भगवान खाटू श्याम जी की विशाल शोभा यात्रा निकल रही है, क्योंकि यहाँ पर एक मंदिर जो है बनाया गया है। आप देख सकते हैं ये लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। देख सकते हैं भगवान खाटू श्याम जी का एक मंदिर बनाया गया है, कहां पर यह मंदिर स्थापित किया गया और क्या कहना चाहेंगे? जय श्री श्याम। जय श्री श्याम जी। पुरानी अनाज मंडी में निर्माणाधीन श्री खाटू श्याम मंदिर में श्री बाबा जी का प्राण प्रतिष्ठा का पिछले एक सप्ताह से महोत्सव चल रहा था। आज बाबा का पूरे शहर के में भ्रमण परिक्रमा का आयोजन है, जिससे बाबा का पूरे शहर में भ्रमण करवा के कल 11 बजे बाबा को स्थापित किया जाएगा निर्माणाधीन श्री खाटू श्याम मंदिर में, और कल शाम को 6:30 बजे बाबा की भजन संध्या का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें कलकत्ता से श्री राजपारी जी अपने भजनों द्वारा बाबा का गुणगान करेंगे। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु है वो यहाँ पर देखे जा सकते हैं, हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आप देख सकते हैं जगह जगह स्वागत भी किया जा रहा है, जल पान की व्यवस्था भी जगह जगह की गई है, जिसकी तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। भगवान खाटू श्याम जी का मंदिर जो है पुरानी अनाज मंडी के पीछे जो है बनाया गया है, गौशाला रोड पर बनाया गया है, और बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर देखे जा सकते हैं, जिसकी तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। तो जगह जगह आप देख सकते हैं किस तरह से सभी मीठे पानी का जो शरबत है उसका प्रसाद भी यहाँ पर वितरित किया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं।
ये आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो महिला भगत है वो भी यहाँ पर देखे जा सकते हैं, महिला श्रद्धालु जो हैं वो भी देखे जा सकते हैं। इस विशाल शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो आप देख सकते हैं इस समय इस विशाल शोभा यात्रा में निकले हैं। ये लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें इस वीडियो को जरूर शेयर करें। भगवान खाटू श्याम जी का जो है एक भव्य मंदिर बनाया गया है, जिसकी जो है कल एक मूर्ति स्थापना भी रखी गई है, जिससे पहले एक विशाल शोभा यात्रा यहाँ पर निकलती हुई नजर आ रही है। इस समय आप ये तस्वीरें देख सकते हैं हरियाणा के करनाल से, जहाँ पर खाटू श्याम जी का जो मंदिर है वो बनाया गया है और कल जो है इसकी विशाल जो है मूर्ति स्थापना आयोजित की गई है। उससे पहले यहाँ पर एक भव्य शोभा यात्रा निकलती हुई शहर से नजर आ रही है। ये जो मंदिर है हम आपको बताना चाहेंगे कि करनाल के पुरानी अनाज मंडी गौशाला रोड पर जो है बनाया गया है। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें इस वीडियो को जरूर शेयर करें। सुबह जहां मूर्ति स्थापना होगी वहीं शाम को एक भजन संध्या का आयोजन भी जो है किया जाएगा। ये देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो इस विशाल शोभा यात्रा में देखे जा सकते हैं। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें इस वीडियो को जरूर। तो आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस विशाल शोभा यात्रा में देखे जा सकते हैं, जिसमें बच्चे हों महिलाएं हों वो इस शोभा यात्रा में देखे जा सकते हैं, जिसकी तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। तो तस्वीरें देख सकते हैं करनाल के मेन बाजार से होती हुई है शोभा यात्रा निकलती हुई आपको नजर आ रही होगी। कल जो है एक भजन संध्या का भी जो है आयोजन किया जाएगा, सुबह जो है मूर्ति स्थापना की जाएगी और शाम को एक भजन संध्या का आयोजन भी किया जाएगा। और आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं हाथों में भगवान खाटू श्याम का जय श्री राम का एक ध्वज लेकर चलती हुई नजर आ रही हैं, जिसकी तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। जय श्री श्याम, 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 जय श्री श्याम। बड़ी संख्या में श्रद्धालु देखे जा सकते हैं। इस समय हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं करनाल के मेन बाजार से होती हुई यह विशाल शोभा यात्रा इस समय देखी जा सकती है, जिसमें बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो बड़ी संख्या में श्रद्धालु देखे जा सकते हैं। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें इस वीडियो को जरूर शेयर करें। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो देखे जा सकते हैं। समझू मोना जो वो आने वाला है, पगड़ी बांध रहा है, नील चढ़ने वाला है। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। बड़ी संख्या में श्रद्धालु आप देख सकते हैं इस विशाल शोभा यात्रा में शामिल है, जिसकी तस्वीरें समय हम आपको करनाल के मेन बाजार कमेटी चौक भगवान वाल्मीकि चौक से समय हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं अपने अपने परिवारों के साथ यहां पर पहुंचे हुए हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु आप देख सकते हैं इस विशाल शोभा यात्रा में शामिल हैं। भगवान खाटू श्याम जी का एक भव्य मंदिर जो है बनाया गया है, उससे पहले यहां पर आप देख सकते हैं एक विशाल शोभा यात्रा निकल रही है। तो तमाम महिला श्रद्धालु भी हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे क्या कहना चाहेंगे जी, एक भव्य मंदिर बनाया गया है इस मौके पर क्या कहेंगे? श्याम बाबा के जो करनाल वासियों पर कृपा बनी है, बहुत बहुत खुशी हो रही है कि श्याम बाबा ने हमारे यहाँ आने का निमंत्रण स्वीकार किया है। जय श्री श्याम। बिल्कुल, आप देख सकते हैं एक भव्य मंदिर बनाया गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? करनाल में एक मंदिर बनाया गया है भगवान खाटू श्याम जी का, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा।
अच्छा लगा यहाँ पे करनाल में भी, हमें अब दूर नहीं जाना पड़ेगा, यहीं पे दर्शन हो जाएंगे। क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है, क्या नाम, जो दूर राजस्थान तक भी जा सकते वो करनाल में दर्शन कर सकते। बिल्कुल, आप देख सकते हैं तमाम श्रद्धालु बड़ी संख्या में जो है इस शोभा यात्रा में शामिल हुए हैं, और कल जो है जो स्थापना है, मूर्ति की स्थापना है वो की जाएगी, और शाम के समय एक भजन संध्या का भी जो आयोजन है वो किया जाएगा, जिसमें इस समय आप तस्वीरें देख सकते हैं करनाल के मेन बाजार से यह शोभा यात्रा यहाँ से इस समय निकलती हुई नजर आ रही है।